हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी फैशन ट्रेंड विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, बच्चों के स्वेटर में, बच्चों की फ्रॉक में डाल सकते हैं। ये सभी में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। ये डिज़ाइन हमने यहाँ पर डबल कलर में बनाया है। अगर आप चाहें तो इसे दो से ज़्यादा कलर में भी बना सकते हैं और इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। ये सभी में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। तो बात करते हैं इसके स्टिचेस की। इसके स्टिचेस 2 के मल्टीपल से होंगे और ये 6 रो का डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने इसके 39 स्टिचेस लिए हैं। आप इसी हिसाब से इसके फंदे ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसके 39 फंदे लिए हैं और नीचे से इसकी 2 रो मैंने सीधी बुनकर निकाल ली है इसको बेस देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसकी फर्स्ट रो है और इसकी राइट साइड है। ये पहला फंदा एस स्टिच है, इसे ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ऐसे ही हम इसकी सारी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी रॉन्ग साइड सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए, ये वाला फंदा इसका सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये सीधा है, इसे सीधा बुन लेंगे। ये सारी रो हम ऐसे ही बुनेंगे। जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे, जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। ये सारी रो हम ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, हमने इसकी सेकंड रो बुन ली है। अब हम इसकी थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। उसे कैसे करना है देखिए, ये एस स्टिच है, इसे ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये उल्टा फंदा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। जो सीधा फंदा है, यहाँ से हम सिलाई को निकालेंगे और एक बार इसको सीधा बुन लेंगे, इसे लूज ही रखना है। फिर इसके ऊपर धागा घुमाएंगे और फिर से एक बार इसको सीधा बुन लेंगे। ये 2 बार हो गया, फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से इसको सीधा बुन लेंगे। ये 3 बार हमने बुन लिया और हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे हो गए हैं। इन 5 फंदों को इस सिलाई पर लेकर जाना है और साथ में जो सीधा फंदा था उन सभी के साथ में इनको बुन लेना है। और इस धागे को ऐसे हम सिलाई पर लेकर जाते हुए इन सभी फंदों को एक साथ हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, फिर से धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, जो उल्टा फंदा है। फिर से धागा पीछे लेकर जाना है और वहीं से फिर से ये एक बार सीधा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, दूसरी बार सीधा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, तीसरी बार सीधा बुन लेंगे। ये हमने इसे ऐसे ही 3 बार सीधा बुन लेना है और हमारे पास 5 फंदे हो जाएंगे। इन 5 फंदों के साथ ये जो सीधा फंदा है इनको एक साथ ऐसे बुन लेंगे, इन्हें सीधा ही बुन लेंगे।
धागा अपनी तरफ लेकर आना है, एक फंदा उल्टा बुनना है। फिर से धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये सीधा फंदा है, यहाँ से हम इसे एक बार सीधा बुन लेंगे। धागा घुमाएंगे, फिर से नीचे से दूसरी बार फिर से सीधा बुन लेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से वहीं से सीधा बुन लेंगे। ये तीन बार हम इसे सीधा बुनेंगे। इनको उसी सिलाई पर वापस लेकर जाना है और साथ में जो सीधा फंदा है उसके साथ में इसको बुन लेना है और ऐसे सिलाई के ऊपर धागा लेकर जाएंगे और सभी छह फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये सीधा फंदा है, यहाँ से सिलाई निकालेंगे और तीन बार धागा घुमाते हुए बुनेंगे। एक बार हो गया, ये दूसरी बार, फिर से धागा घुमाएंगे और फिर से तीसरी बार, ये पांच फंदे हो गए। इनको इसी सिलाई पर लेकर जाना है और जो साथ में सीधा फंदा है ये पांच फंदे और वो छठा फंदा जो सीधा है उसको उठाएंगे और एक साथ सभी को सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से ये सीधा फंदा है, यहाँ से तीन बार हम सीधा बुनेंगे। एक बार धागा घुमाया, फिर से ये दूसरी बार, फिर से धागा घुमाया, ये तीसरी बार, तीन बार बुन लिया, पांच फंदे हो गए। इन पांचों को इस सिलाई पर लेकर जाएंगे और साथ में ये जो सीधा फंदा है इन छह फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, ये उल्टा फंदा, धागा पीछे, यहाँ से एक बार धागा घुमाया, दो बार धागा घुमाया, तीन बार, ये पांच फंदे हो गए। इनको ऐसे सिलाई पर ले लिया, साथ में ये सीधा फंदा, इनको ऐसे सभी फंदों के एक साथ सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेकर जाएंगे और फिर से यहाँ से एक बार धागा घुमाया, दो बार फिर से धागा घुमाया, तीन बार, पांच फंदे हो गए। इनको पांचों को इसी सिलाई पर लेकर जाना है, साथ में ये सीधा फंदा है इसको भी बुन लेंगे। ये देखिए, इन्हें एक साथ बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा है, फिर ये सीधा फंदा, फिर से वैसे ही। ऐसे ही हमने ये सारी रो कंप्लीट करनी है। सीधे फंदे हैं उनको तीन बार बुनते हुए धागा घुमाकर ऐसे ही बुनना है और उल्टे फंदे को सिंपल उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, इसकी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी फोर्थ रो कैसे बुनेंगे, देखिए ये रॉन्ग साइड है। ये सारी रो हम इसकी उल्टी ही बुनेंगे। सारी रो को उल्टा उल्टे फंदों से बुन लेंगे। ये देखिए, हमने इसकी फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका सेकंड कलर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ऐसे इस सारी रो को भी हम सीधा ही बुनेंगे। इस सारी रो को सीधे सीधे फंदों से ऐसे बुन देंगे। देखिए, ये हमने इसकी पहली रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी रो, ये सारी हम इसकी उल्टी ही बुनेंगे। इस सारी रो के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे।
ये देखिए हमने इसकी सेकेंड रो कंप्लीट कर ली है। अब हम थर्ड रो इसकी कैसे बुननी है ये देखिए। यहाँ पर नीचे हमने ये वाला स्टिच था इसको ऐसे ही उतार लिया। ये आगे हमने ये वाले फंदे को उल्टा बुना था और इस फंदे को तीसरे फंदे को हमने यहाँ पर सीधा बुना था और ये पांच नीचे हमने तीन बार बुनते हुए फंदे बनाए थे। और अब हमने क्या करना है ये देखिए। अब यहाँ पर हम उल्टा फंदा बनाएंगे और यहाँ पर सीधा फंदा बनाएंगे। ये देखिए ये फंदा हम इसका सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे को अब उल्टा बना लेंगे। पहले ये सीधा फंदा था, अब इसे उल्टा फंदा बना देंगे, धागा पीछे करेंगे। ये वाला फंदा यहाँ पर ये देखिए उल्टा था, यहाँ पर सीधा बना लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे ही हम ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। जहां पर उल्टे फंदे थे वहां पर सीधे फंदे आ जाएंगे और जहां पर सीधे फंदे थे वहां पर उल्टे फंदे आ जाएंगे। ये देखिए हमने इसकी थर्ड रो बुन ली है, फोर्थ रो। ये देखिए इसकी रॉन्ग साइड है, ये उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे। इसमें ये सारी रो में आपने ऐसे ही बुनना है, जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है, जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा बुनना है। ये देखिए फैन हमने इसकी फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। ये इसकी राइट साइड है, ये पहला फंदा स्टिच है, इसे ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये सीधा फंदा है हमारे पास, यहाँ पर हमने वैसे ही बुनना है जैसे हमने इसे नीचे बुना था। ये देखिए ये वाले फंदे के बिल्कुल यहाँ पर नीचे से हम ये सिलाई ऐसे एक बार निकालेंगे, फिर धागा घुमाएंगे। अब दूसरी बार फिर से धागा घुमाएंगे, अब तीसरी बार, ये तीन बार हम इसको धागा घुमाते हुए सीधा बुन लेंगे और यहाँ पर हमारे पास पांच फंदे हो जाएंगे। पांचों फंदों को और साथ में सीधे फंदे को, छठों फंदों को एक साथ लेंगे और ऐसे धागा घुमाते हुए सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। ये उल्टा फंदा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर से वैसे ही तीन बार बुनेंगे। एक बार धागा घुमाएंगे, दो बार फिर से धागा घुमाएंगे, तीन बार, ये पांच फंदे हो गए। इनको इस सिलाई पर लेकर जाएंगे और साथ में छठे फंदे को लेंगे और सभी को एक साथ सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये फिर से वैसे ही इसको तीन बार सीधा बुनेंगे, एक बार धागा घुमाएंगे, दो बार फिर से धागा घुमाएंगे, ये तीन बार। अब पांच फंदे हैं, इनको इस सिलाई पर लेंगे और सीधे फंदे के साथ में इनको एक साथ बुन देंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, इसे वैसा ही बुनेंगे, एक बार धागा घुमाया, फिर से ये तीसरी बार, ये पांच फंदे हो गए। इनको इस सिलाई पर पांचों फंदों को लेकर जाएंगे और सभी फंदों को एक साथ बुन देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, फिर से वैसे ही तीन बार बुनेंगे, एक बार धागा घुमाया, दूसरी बार फिर से धागा घुमाया, तीसरी बार, पांच फंदों को इस सिलाई पर वापस लेकर जाएंगे और छह फंदों के साथ एक साथ बुनकर छह फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर से ऐसे ही हम ये सारी रो कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, सिक्स्थ रो इसकी ये रॉन्ग साइड है। इस सारी रो को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये सारी रो उल्टी ही बुननी है।
अब हमने ऊपर दूसरा कलर स्टार्ट करना है, उसको कैसे करना है देखिए। जब आपने दूसरा कलर स्टार्ट करना हो तो ये देखिए, ये लास्ट वाले फंदे को दूसरे कलर से हम बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर हम फिर से 1st रो से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, पहला फंदा ऐसे ही हम सारी रो ये सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये सारी रो हम इसकी सीधी ही बुनेंगे। ये देखिए, हमने इसकी ये 1st रो बुन ली है। ऊपर वैसे ही हम बुनेंगे जैसे हमने ये नीचे इसकी 6th रो बुनी थी, वैसे ही ऊपर फिर से इसकी 6th रो बुनेंगे। और 6th रो के बाद फिर से हम यही कलर डालेंगे, ऐसे ही हम ऊपर इसे बुनते जाएंगे। मैं थोड़ा सा और आपको ऊपर बुनकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे थोड़ा सा और ऊपर बना लिया है और अब ये बनकर कुछ इस तरह से दिखने लगा है। ये देखिए फ्रेंड, ये 6th रो का डिज़ाइन है और बार बार हम इसकी 6th रो रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए, इसे आप डबल कलर में या उससे भी ज़्यादा कलर अगर आप यूज़ करना चाहते हों तो वो भी डाल सकते हैं। और ये सिंगल कलर में भी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड, तो आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।